इस वेले दी एक बहुत ही मंदभागी खबर सामने आ रही है, जिस विच एक भाजपा नेता ने अपने परिवार समेत जहर खा लिया, जिस कारण बीजेपी नेता ते उसकी घरवाली ते दो बच्चों की मौत हो गई। ये वड्डा कदम उठाने तो पहला बीजेपी नेता ने अपने फेसबुक पेज पर एक निराशा भरिया शेर लिख के एक पोस्ट भी साझी की। एक बीजेपी नेता ने अपनी पत्नी अते दो बच्चों समेत जहर खा के अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। ये दिल दहलाउण वाली घटना मध्य प्रदेश के वदिंशा तो सामने आई है, जिथे बीजेपी के दुर्गा नगर के मंडल उप प्रधान सबका कौंसलर संजीव मिश्रा ने अपने परिवार समेत जहर खा लिया। इस मगरों गंभीर हालत में दोवें बच्चों ते पति पत्नी नूं जिला हस्पताल दे विच लजाया गया, जिथे पहला दोवें बेटियां दी मौत हुई अते फिर संजीव मिश्रा अते उसकी घरवाली नीलम मिश्रा ने अपना दम तोड़ दिता। एक खौफनाक कदम उठाने तो पहला संजीव मिश्रा ने फेसबुक पेज ते एक पोस्ट पाई, जिस विच उन्होंने लिखा, परमात्मा दुश्मन दे बच्चों नूं भी ना देवे यह बीमारी, मुस्कूलर डिस्ट्राफी DMD। इस पोस्ट नूं देखण मगरों उन्होंने बहुत सारे साथी जदों उन्होंने घर मिलने के लिए पुजे तो बाहरों दरवाजा बंद सी। घर का दरवाजा तोड़ के अंदर जाके देखा तो बीजेपी नेता उसकी पत्नी और दोवें बच्चे बेहोशी की हालत में पाए गए। इस मगरों चारे जणियां नूं तुरंत हस्पताल लिजाया गया, जिथे 45 साल संजीव मिश्रा, 42 साल नीलम मिश्रा, 13 साल अनमोल अते 7 साल सार्थक की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलदिया ही होर भाजपा नेता भी तुरंत हस्पताल पुजे। शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, किस्मत में नहीं था हमको मिला नहीं। इस मौके पुजे दुर्गा नगर मंडल के प्रधान सुरेंद्र सिंह चौहान ने दसिया कि संजीव मिश्रा ने उन्होंने इस बीमारी बारे दसिया सी, जिसनों लैके वह लगातार बहुत सारे डाक्टर के नाल गलबात करते रहते। संजीव मिश्रा के बच्चों के जॉइंट लॉक हो गए सी, जिस कारण पढ़ाई खराब हो रही थी, तुरंत फिरन दे विच मुश्किल तुरन फिरन दे विच मुश्किल होने लग पई सी। सुरेंद्र चौहान के मुताबिक पहला यह बीमारी संजीव मिश्रा के वड्डे बेटे नूं हुई, उस मगरों फिर छोटे बेटे भी इस दी चपेट विच आ गए, जिसनों लैके संजीव मिश्रा काफ़ी परेशान रहिंदा सी। आओ हुण जरा इस बीमारी बारे भी जानते हाँ की हुंदी है मस्कूलर डिस्ट्रॉफी। मस्कूलर डिस्ट्रॉफी एक अजिही खतरनाक बीमारी है, जिस विच इंसान की शक्तिहीन हो जाती है, मसल्स कमजोर होने दे नाल सुंगड़न लग जाते ने, बाद विच इह टुटन भी लग जाते ने। मैडिकल माहरां दे अनुसार यह एक तरह का अनुवंशिक रोग है, जिस विच रोगी नूं लगातार कमजोरी आउंदी रहिंदी है अते उस दीयां मांसपेशियां दा विकास रुक जांदा है। संजीव मिश्रा ने नूं भी यही बीमारी सी, जिसका कोई इलाज नहीं है। फिलहाल चारे मृतकों का अंतम संस्कार कर दिता गया है अते पुलिस वल्लों मामले की जाँच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हमदर्द TV।